हेलो स्टूडेंट्स, बेटा एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल नंबर 13 एंड 14। ओके, इन माय लास्ट टू वीडियोस बेटा मैंने एग्जांपल 12 करवाई है। बेटा आप देख सकते हो ये एग्जांपल नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच n द 4 प्लस 4 इज प्राइम। बेटा वी नो दैट एन दी 4 प्लस 4 के फैक्टर क्या होंगे, एन स्केयर माइनस 2n प्लस 2, एन स्केयर प्लस 2n प्लस 2। ओके बेटा एन स्केयर माइनस 2n प्लस 2, एन स्केयर प्लस 2n प्लस 2, ये इसके फैक्टर है बेटा। ये देखो बेटा, दिस वन इज ए प्राइम नंबर। ओके, ये प्राइम कब होगा बेटा? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखो बेटा, जैसे 3 है उसको 1 इंटू 3, 5 है 5 इंटू 1। बेटा या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा। यदि एन स्केयर माइनस 2n प्लस 2 1 है तो एन स्केयर माइनस 2n प्लस 1, एन माइनस 1 द स्केयर, एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। क्लियर है बेटा, एन की वैल्यू क्या आ रही है 1। यदि मैं ये देखूं बेटा एन स्केयर प्लस 2n प्लस 2 1 है तो एन स्केयर प्लस 2n प्लस 1, एन प्लस 1 द स्केयर, एन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस। क्लियर है? एग्जांपल 14, एन ग्रेटर देन 1 इज एन इंटीजर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस 3, प्रूव दैट एन स्केयर प्लस 2 द पावर एन इज कंपोजिट नंबर। बेटा यू नो एवरी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6k, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3 इस फॉर्म में तो होना ही चाहिए बेटा। 6k प्लस 4, 6k प्लस 5, ओके इस फॉर्म में। तो बेटा हमें चेक करना है बेटा ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है एन स्केयर प्लस 2 दी पावर एन। तो देखो बेटा एन स्केयर प्लस 2 दी पावर एन, यदि एन में क्या रख रहा हूं 6k, 36k स्केयर 2 दी पावर 6k, तो कैसे लिखेंगे बेटा 36k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दी पावर 6k माइनस 1। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 डिवाइड n स्क्वायर प्लस 2 दी पावर n। यदि n 2 इसको डिवाइड कर रहा है बेटा, क्लियर है, n की वैल्यू 1 से ज्यादा ही है। यदि हम 1 से वैल्यू ग्रेटर रखेंगे बेटा ये तो 2 तो नहीं बनना, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्लियर है बेटा दिस वन इज कंपोजिट नंबर। ऐसे बेटा हमने 6k प्लस 1 रखना ही होता है, 36k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12k प्लस 2 दी पावर 6k प्लस 1। ओके देन बेटा देखो मेरे पास ये है बेटा, उसके बाद 36k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 2 दी पावर 6k प्लस 1 प्लस 1। ओके देन यू सी इसके फैक्टर बेटा 36k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 2 प्लस 1 2 दी 6k 2 दी 6k माइनस 1 अप टू 1। तो बेटा इनमें से 3 क्या आ रहा है कॉमन, तो 3 इसको क्या कर रहा है डिवाइड, तो क्लियर है बेटा दिस वन इज ए कॉम्पोजिट नंबर। सेम ऐसे ही आपने आगे पुट करनी है वैल्यू, सो सभी क्या है बेटा कॉम्पोजिट नंबर। एग्जांपल नंबर 15 बेटा, P is prime if P is prime and P divide A the power K, then P the power K divide A the power K. Okay. Next example से पहले ये देखो बेटा, P divide A the power K, P divide A into A into A. ठीक है बेटा, P divide A, because हमने प्रूव किया P divide A B, P divide A और P divide B, तो P divide A, A क्या हो गया बेटा मल्टीपल ऑफ P, A the power K, P the power K, T the power K, तो P the power K किसको divide कर रहा है बेटा A की power K। Next, if n greater than 1 and n
डिवाइड एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, एन इसको डिवाइड कर रहा है बेटा, प्रूव दैट एन इज प्राइम. लेट, मैंने एक डी नेचुरल नंबर कंसीडर किया बेटा, ठीक है, जो डी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, इनको, ओके, डी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, इनको, ओके, डी लेस देन एन, बिकॉज डी लेस देन एन क्यों लिखा है बेटा, मैंने एन को प्राइम प्रूव करना है. प्राइम कैसे होगा बेटा, या तो एन को वन डिवाइड करेगा या इटसेल्फ, मैंने यहां पे डी की वैल्यू एन से कम ले ली, तो जो डी है बेटा इसमें लाइक कर रहा है. क्लियर है, मीन डी किसमें लाइक कर रहा है बेटा, लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन. तो क्लियर है, डी किसको डिवाइड करेगा बेटा, एन माइनस वन फैक्टर. जैसे बेटा मैं कहूं डी की वैल्यू मैंने फाइव ले ली, लेस देन इक्वल टू सेवन, ठीक है, तो फाइव जो है फाइव किसको डिवाइड करेगा, सेवन फैक्टोरियल. रीजन बेटा, सेवन फैक्टोरियल में क्या आएगा, सेवन सिक्स फाइव आएगा, तो फाइव इसको डिवाइड करेगा बेटा. अब देखो बेटा, डी डिवाइड एन माइनस वन फैक्टोरियल. क्लियर है बेटा, ओके, डी डिवाइड एंड एन डिवाइड एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन. यहां पे डी डिवाइड एन भी है, एन इसको डिवाइड करे तो डी किसको डिवाइड कर रहा है, एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, ओके, तो डी इनकी सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है, तो वन को कौन सा नंबर डिवाइड करता है बेटा, वन. सो यदि डी की वैल्यू वन है, क्योंकि डी नेचुरल नंबर है, माइनस वन तो ले सकते, वन डी की वैल्यू वन है, तो एन तो एन को डिवाइड कर ही रहा है, सिर्फ इसको एक नंबर और डिवाइड कर रहा है वन. देखो बेटा, मैंने डी एक डिवाइजर ले लिया इनका, मेरा क्या है डी की वैल्यू वन है, और यदि डी एन है तो एन को डिवाइड कर ही रहा है, तो प्राइम नंबर को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, वन एंड इटसेल्फ. तो क्लियर है, एन क्या है बेटा मेरे पास, प्राइम. नेक्स्ट बेटा एग्जांपल 17. Prove that for n greater than 1, n greater than 1, every prime divisor of n factorial plus 1 is an odd integer greater than n. बेटा ये प्रूव करना है, n greater than 1, every prime divisor of n factorial plus 1. देखो n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो n क्या हो गया, 2 3 4 दिस वन, तो 2 factorial भी इवन है, 3 factorial भी क्या हुआ, इवन. तो बेटा n factorial मेरे पास क्या हो गया, इवन, तो n factorial plus 1 है यहां पे, ये क्या हो गया, और तो जो इसका डिवाइजर होगा वो भी क्या होगा बेटा, और इसने कहा जो इसका प्राइम डिवाइजर है इज एन ऑड इंटीजर ग्रेटर देन, ये तो क्लियर हो गया भी, वो क्या है बेटा, डिवाइजर जो है वो ऑड है, एंड हमने प्रूव करना है ग्रेटर देन है, हमने ये भी प्रूव करना है, इफ पॉसिबल पी प्राइम डिवाइजर ले लिया, डिवाइजर ऑफ एन फैक्टोरियल प्लस वन, मैंने क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन एन, लेस देन और इक्वल टू एन ले लिया, ठीक है, पी डिवाइड कर रहा है बेटा किसको, एन फैक्टोरियल प्लस वन, ओके, क्लियर है बेटा, ओके, और मैंने पी की वैल्यू क्या रखी है बेटा, लेस देन और इक्वल टू एन, तो पी किसको डिवाइड करेगा, एन फैक्टोरियल, तो p किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 1, बट व्हाट इज p, p इज ऑड प्राइम, लेस देन और इक्वल टू n, p क्या है प्राइम, p 1 को डिवाइड करेगा, नो, सो आवर सपोजिशन रॉन्ग, तो जो प्राइम डिवाइजर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा बेटा, n, ओके,
नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा एग्जांपल। सो थैंक यू वेरी मच।